मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू क्लास 8। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 3, जिसका पाठ नंबर 7 है, क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हमें पंडित जी ने सच्चाई और ईमानदारी आज भी जिंदा है, इस बारे में उन्होंने हमें बताया है। पंडित जी कहते हैं, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें इंसानों में सिर्फ बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, सच्चाई को भी उजागर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वे निराश नहीं है, आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। उत्तर, लेखक आशावादी दृष्टिकोण के हैं, उन्हें लगता है कि जब तक देश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी सच्चाई और ईमानदारी है, तब तक यह गुंजाइश भी है कि वह अपने सपनों का भारत अब भी पा सकते हैं, इसलिए लेखक धोखा खाने पर भी निराश नहीं होते। लेखक कहते हैं कि आज भी सच्चाई और ईमानदारी जिंदा है, खाली धोखा ही लोगों द्वारा हमें नहीं दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, मतलब किसी की बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और रस लिया जाता है, और दूसरे लोग भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी उस बुराई को और दिखाते हैं, जबकि अच्छाइयों को नहीं। प्रश्न नंबर 3, लेखक के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना उचित है, किंतु जब मीडिया कर्मी किसी स्वार्थवश या चैनल और अखबार को प्रचारित करने के लिए खबर को उल्टा सीधा रूप देकर प्रस्तुत करते हैं, तब यह पर्दाफाश आम लोगों के लिए बुराई का रूप धारण कर लेता है। मतलब मीडिया कर्मी अपने स्वार्थ के लिए, अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करते हैं। समाचार तभी अच्छे और सच्चे हो सकते हैं या होते हैं जब उनसे सार्थकता हो, मतलब जब उनमें सच्चाई दिखाई जाए, दोनों पक्षों की बराबर चीज दिखाई जाए, खाली बुराई नहीं, पक्ष को सही रूप से प्रस्तुत किया जाए, खाली बुराई को नहीं दिखाया जाए। प्रश्न नंबर 4, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। उत्तर, मेरे विचार से हमारे महान विद्वानों ने महान संस्कृति सभ्य भारत का सपना देख रखा था। प्रश्न नंबर 6, अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात क्यों है। उत्तर, अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है, क्योंकि सैकड़ों घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मतलब खाली बुराई की घटनाओं को हमें नहीं दिखाना, हमें अच्छाई की घटनाओं को भी बताना है, ताकि लोगों के मन में, लोक चित्त मतलब लोगों के हृदय में, अच्छाई के प्रति भी विश्वास की भावना आए कि खाली बुराई दुनिया में नहीं है, अच्छाई भी है। प्रश्न नंबर 7, बुरा आचरण क्या है। उत्तर, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। प्रश्न नंबर 8, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व क्यों दिया है। उत्तर, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, क्योंकि उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। अर्थात भौतिक गुण मतलब भौतिक चीजों को महत्व देना, वस्तुओं को महत्व देना, मतलब सांसारिक चीजें जो हमें सारे बाहर दिखाई देती है, पैसा धन, इनको हमारे भारतीय लोग इतना महत्व नहीं देते। हमारे भारतीय दया करुणा की भावना, इनको हमारे भारतीय ज्यादा महत्व देते, क्योंकि हमारे अंदर चरम और परम रूप में वो गुण विद्यमान है, जो हमारी विरासत से हमें मिलता आया है। प्रश्न नंबर 9, आज महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था क्यों हिलने लगी है। उत्तर, ईमानदारी से मेहनत करके जीवन चलाने वाले निरीह और भोले
भाले श्रमजीवी को पिसते और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। आज हम अर्थात कि आज ईश्वर में व्यक्ति है वो तो ठगा जा रहा है, और जो जो लोग महान मूल्यों को उनको जो मतलब जो पैसे वाले हैं वो क्या करते हैं, धोखे से अपना काम सारा निकाल लेते हैं। इसलिए वो परिश्रमी लोग है ना, महान मूल्यों को अब आदर्श मूल्यों को नहीं वैल्यू देते हैं, उनकी आस्था उनके प्रति डिगने लगी है। प्रश्न नंबर 10, धर्म भीरु लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच क्यों नहीं करते? उत्तर, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं कर सकते। यहाँ पे एक वाक्य है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि धर्म क्या, हमारे भगवान, हम मानते हैं भगवान ऊपर देख रहा है, वो धर्म है। लेकिन कानून, कानून को तो हम एक दूसरा भी सबूत दिखा देते हैं, असली सबूत को मिटा के नकली सबूत दिखा देते हैं, तो कानून को हम पैसे से खरीद लेते हैं, सबूत के आधार पे हम खरीद लेते हैं। तो यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है, मतलब धर्म से डरते, मैं भगवान सब देख रहा है, उसके आगे कोई झूठ नहीं बोल सकता, और कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, क्योंकि पता है कानून में से कोई भी गलती से उसे झूठी चीज मरे हुए आदमी को जिंदा दिखा देते हैं, तो कानून की त्रुटियों से लोग लाभ उठा लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, लेखक का मन कभी कभी क्यों बैठ जाता है? उत्तर, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं रह गया हो, ईमानदार आदमी दुनिया में है ही नहीं, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यह सब देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। धन्यवाद।